जय हिंद दोस्तों, आज दिल्ली से 10 ओमाइक्रॉन वेरिएंट के पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। तो अभी भारत का आंकड़ा 98 हो गया है, यानी 98। कल तेलंगाना से भी कुछ पेशेंट्स रिपोर्ट हुए थे। जो लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूज़ बताया था तो तब तक 78 थे, यानी 78, लेकिन अभी बढ़कर आंकड़ा 98 हो गया है ओमाइक्रॉन वेरिएंट पेशेंट्स का इंडिया में। दोस्तों एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत में ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से एक भी मृत्यु रिपोर्ट नहीं हुई है और बहुत सारे पेशेंट्स रिकवर भी हो रहे हैं। मेरे ख्याल से 20 से अधिक पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी बात है कि ओमाइक्रॉन से पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स असिम्टोमेटिक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सभी कोविड-19 के प्रिकॉशंस ले रहे हो, सभी नियम का पालन कर रहे हो, क्योंकि सरकार थोड़ी सख्ती आप पर ज़रूर दिखाएगी अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे। तो आप ज़रूर पालन करें सभी नियम का, सभी कोविड-19 के प्रिकॉशंस लें। स्क्रीन पर वो डिटेल्स भी चल रही है कि कहाँ से कितने कितने पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ओमाइक्रॉन वेरिएंट के संबंध में ये है लेटेस्ट अपडेट। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।